नमस्कार देवी और सज्जनों, स्वागत है कौन बनेगा एग्जामपुर का महारथी में। क्या है ये एग्जामपुर महारथी, जानने के लिए जुड़ना ना भूले 13 जून रात 8 बजे एग्जामपुर के मेन यूट्यूब चैनल पर। नमस्कार देवी और सज्जनों, स्वागत है कौन बनेगा एग्जामपुर का महारथी में। क्या है ये एग्जामपुर महारथी, जानने के लिए जुड़ना ना भूले 13 जून रात 8 बजे एग्जामपुर के मेन यूट्यूब चैनल पर। और करण और अर्जुन जा तो रहे हैं, पर लेकर क्या जाएं? तू ही बता अर्जुन, क्या लेके जाए? एक काम करते हैं, 5000 बुकलेट फ्री गिव अवे, और वो वाला सरप्राइज। उस सरप्राइज के लिए मिलिए 13 जून सुबह 11 बजे एग्जामपुर यूट्यूब चैनल पर। अर्जुन जा तो रहे हैं, पर हेलो स्टूडेंट्स, हम एग्जामपुर कलम से क्रांति, मैं प्रीति आपका अपने परिवार एग्जामपुर में स्वागत करती हूँ। गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून आप सभी को। तो हो चुकी है शुरू क्लास, बज चुके हैं दोपहर के एक, और ठीक दोपहर के एक बजे होती है आप लोगों की कंप्यूटर की क्लास। तो आज तो वैसे भी सुपर सैटरडे है, और आप में से कुछ बच्चे मैं देख रही थी कमेंट में लिख रहे थे कि मैम आप UPASI के लिए बता दीजिए, क्योंकि उसके अंदर 25 क्वेश्चन 50 नंबर के आते हैं ना। आप लोग बात कर रहे हैं UPASI के लिए। UPASI के लिए अगर मैं बात करती हूँ, तो अब जो मंडे आ रहा है और जो ट्यूजडे आएगा, मंडे और ट्यूसडे में मैं क्वेश्चन करवाऊंगी जो क्वेश्चन आपके UPASI में पूछे जाते हैं। मंडे ट्यूसडे में UPASI के अंदर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कंप्यूटर के, मैं वो आप लोगों को करवाऊंगी। तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है, निश्चिंत रहना, ठीक है? तो हमारा वो मंडे और ट्यूसडे में कवर हो जाएगा, तो यही से आप देख लेना। रही बात पेड कोर्स की, तो अभी ऐसा कोई पेड कोर्स नहीं आया अलग से कंप्यूटर का जिसमें मैं UPASI करवाती हूँ ना। जब नहीं है तो फिर मैं ऐसे नहीं बता सकती ना कोई। चलो करें शुरू क्लास, तैयार हो आप सभी लोग? क्वेश्चन करते हैं कि क्वेश्चन, और आपको आंसर बताना है। ओके, कौन भगा रहा है, किसको भगा रहा है, शांति से पढ़ लो, बिल्कुल बतियाना नहीं है किसी को। क्वेश्चन नंबर वन से करते हैं शुरुआत। क्वेश्चन नंबर वन आपके स्क्रीन पर ही रहा, इसको पढ़ना है, बताना है क्वेश्चन नंबर वन में कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बताइए। क्वेश्चन नंबर वन, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा? साइफर क्या होता है, व्हाट इज साइफर, साइफर का मतलब क्या होता है, बताना है आपको यहाँ पे साइफर का मतलब क्या होता है। पहला क्वेश्चन, साइफर का अर्थ क्या होगा, आंसर करना है जल्दी से। बिल्कुल बिल्कुल, 809 शिवांगी जी, बिल्कुल ट्रिपल सी ले सकते हो क्लास। यहाँ पर जितने लोग गाना गाने के मूड में, आराम से क्लास चले जाओ, फिर गाना गा के आ जाना वापस, है ना। चलो बताओ जल्दी से यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट से बता रहे करके, बताइए साइफर क्या है, साइफर इनमें से किससे रिलेट होगा। आंसर ऑप्शन ए आना स्टार्ट हो चुका है सभी का, चलो देखते हैं ऑप्शन ए होगा या नहीं होगा। बिल्कुल, साइफर का मतलब होता है इनक्रिप्टेड डेटा, ऑप्शन ए इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। इसके बारे में मैंने आपको बताया था, व्हाट्सएप पे लिखा होता है, व्हाट्सएप डेटा एनक्रिप्ट करता है एंड टू एंड, एनक्रिप्शन एंड टू एंड यूजर, मतलब एनक्रिप्ट या साइफर का मतलब क्या होता है। जैसे आपने लिखा हेलो, डायरेक्ट इस मैसेज को किसी कोड में बदल दिया जाता है, फिर वो मैसेज जिस भी व्यक्ति के पास जाएगा दोबारा से उसको हेलो लिखकर भेजा जाएगा। इसका मतलब केवल जो सेंड करने वाला व्यक्ति है और जो उस मैसेज को प्राप्त रिसीव करने वाला व्यक्ति है, केवल उसी को पता है कि मैसेज के अंदर हेलो लिखा है। बाकी अगर कोई बीच में से इस मैसेज को चुरा कर पढ़ना चाहे तो वो नहीं पढ़ सकता, क्योंकि ये एनक्रिप्टेड डेटा है, डेटा को कोड में बदल दिया गया है, और इसी को साइफर कहा जाता है। क्लियर, आगे चले। सेकेंड लास्ट क्लास कहाँ पे मिलेगी, आप जाना प्लेलिस्ट में, वहां पर आपको मिल जाएगी। बिल्कुल प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक करोगे, वहां पे आपको अवेलेबल, मतलब मिल जाएंगी सारी क्लासेस, है ना। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए क्या दिया हुआ है, डीजी लॉकर में अधिकतम फाइल साइज कितना होता है।
डीजी लॉकर में अधिकतम फाइल का साइज कितना होता है पता करके बताना है आपको जल्दी से। आंसर क्या हो जाएगा इसका, 20 MB, 10 MB, 10 KB या 2 GB। क्वेश्चन नंबर सेकंड का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बताइए। बिल्कुल, फाइल साइज कितना होता है मतलब अधिकतम फाइल डिजी लॉकर के अंदर जो आप सेव करते हो वो ज्यादा से ज्यादा कितने तक की फाइल को अपने अंदर समेट के रख सकता है। वेरी वेरी गुड, यहाँ पे आंसर आ रहा है कुछ बच्चों का 10 MB और ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा 10 MB। आपने सुना होगा अभी पिछले साल डिजी लॉकर बहुत ही ज्यादा खबरों में आया, क्यों? क्योंकि डिजी लॉकर एक एप्लीकेशन है जो कि सरकार के द्वारा, भारतीय सरकार के द्वारा निकाली गई है। अब इसमें क्या होता है, इसके अंदर पहले क्या होता था, आपने कोई 4 साल का कोर्स लिया, बीटेक करने की सोच रहे हो, आपने पहले साल बीटेक किया और आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा, आपको लग रहा है बेफालतू में लाखों रुपए जा रहे हैं और ना तो मेरा इसमें पढ़ने मन लग रहा और ना ही मेरे को समझ में आता, तो आप 1 साल का करके उसको स्विच कर सकते हो। तो जो 1 साल का डिप्लोमा बनेगा वो आपका डीजी लॉकर में उस कॉलेज के द्वारा भेज दिया जाएगा। आप अपने इंपॉर्टेंट दस्तावेज इसके अंदर रख सकते हो, अपनी 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, और सबसे अच्छी बात यह है कि इन केस भगवान ना करे ऐसा किसी के साथ हो, अगर ओरिजिनल डेटा की कॉपी, ओरिजिनल आपका जो सर्टिफिकेट है वो खो जाता है, तो डीजी लॉकर के अंदर जो भी स्कैन करके आपने अपने दस्तावेज रखे हुए हैं वो सारे के सारे वैलिड होते हैं। आप इनको दिखा सकते हो, सामने वाला इन पर भी उतना ही यकीन करेगा जितना आपके ओरिजिनल सर्टिफिकेट के ऊपर करता। क्यों? क्योंकि भारतीय सरकार के द्वारा बनाई गई एप्लीकेशन है, इसके अंदर जो भी आप अपलोड करते हो चाहे पैन कार्ड हो चाहे आधार कार्ड हो वो सारी चीजें पहले चेक की जाती हैं, अगर सही है तभी अपलोड होती है। क्लियर, आगे चले, चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड को पढ़ना है, बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। राइटर में रीडू की शॉर्टकट की क्या होती है, बताना है आपको। बिल्कुल, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह सब कुछ आप रख सकते हो। बफरिंग हो रही है मैम, देखना कुछ बफरिंग वाला सिस्टम है क्या। चलो यहां तो बफरिंग नहीं हो रही, बिल्कुल प्रॉपर चल रहा है भाई। चलिए बताना है आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड के लिए कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा बताइए। बिल्कुल कर सकते हैं चूज अब्बू कौशिक जी, क्वेश्चन नंबर थर्ड कौन सा ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा, तो रीडू के लिए कौन सा ऑप्शन होता है, शॉर्टकट की सारी मैंने भी कुछ दिन पहले ही आप लोगों को याद करवाई थी, रीडू के लिए होता है कंट्रोल प्लस वाई रीडू के लिए होता है, जो काम आपने किया है उसी को बार 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 रिपीट करने के लिए, और अगर मैं अंडू की बात करूं जो काम किया उसको छुपाने के लिए वो हो जाता है कंट्रोल प्लस जेड। क्लियर है, आगे चलें। अच्छा धर्मेंद्र पंवर जी, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं आपका कमेंट ना देख रही हूं और ना आंसर करूं? मुझे लगता है कभी कभी बार तो आप लोग जानबूझ के ऐसा कहते हो ताकि मैं नाम बोल दूं, मेरे को सबके कमेंट दिखाई दे रहे हैं और सारी चीजें भी। मैम प्रैक्टिकल का बोला था आपने लास्ट क्लास में, नवेद खान जी जो प्रैक्टिकल की बात कर रहे हैं उसको मैं करवाऊंगी अब मंडे से, वो मंडे से चलेंगी, आज सुपर सैटरडे, आज नए नए क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर देखो, जो लेटेस्ट अभी 2021 के एग्जाम्स में पूछे गए हैं या 2021 में हॉट टॉपिक रहा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फोर, प्रोग्रामों का संग्रह जो कंप्यूटर चलाता है उसे क्या कहा जाता है, ग्रुप ऑफ प्रोग्राम विच रन कंप्यूटर जो कंप्यूटर को चलाता है। तो बताना है आपको यहां पर, प्रोग्रामों का समूह जो कि कंप्यूटर को चलाता है उसे क्या कहा जाएगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, प्रोग्राम्स या फिर इनमें से कोई भी नहीं, बताइए। फोर्थ के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आंसर करना है, चलो जल्दी से आंसर बताओ यहां पर। क्वेश्चन नंबर फोर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, बिल्कुल सिस्टम सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर होते हैं दो प्रकार के, सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं, तो सॉफ्टवेयर होते हैं दो प्रकार के, सॉफ्टवेयर का मतलब होता है प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर होते हैं दो प्रकार के, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर उस सॉफ्टवेयर को कहा जाता है जिसके बिना सिस्टम नहीं चल पाता,
जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्यूटर नहीं चला सकते, जैसे भाषा अनुवादक कन्वर्टर इंटरप्रेटर कंपाइलर बिना इसके भी सिस्टम नहीं चला पाते, जैसे लिंकर और लोडर, तो ये सारी चीजें क्या हो जाती है, सारी चीजें सिस्टम सॉफ्टवेयर हो जाते हैं। और दूसरे होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दूसरे कौन से होते हैं, दूसरे होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात होती है तो ये वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि एप्लीकेशन, हम लोग अपने हिसाब से इनको इंस्टॉल भी कर सकते हैं और डिलीट भी, जैसे फोटोशॉप हो गया, जैसे एमएस ऑफिस हो गया, काम है तो इसको ले लो और काम खत्म तो इसको डिलीट कर दो, है ना। और प्रोग्राम का वो समूह जिससे कंप्यूटर चलता है वो आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर, ये रहा, पढ़ना है, बताना है आंसर क्या होगा। आई एम ई आई में कुल कितने नंबर होते हैं, बताइए, बताओ फटाफट से आंसर क्या हो जाएगा। कौन किसकी बात समझ रहा है भाई, जल्दी से आंसर बताना है यहां पे। अगर हम बात करते हैं किसकी, अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, क्वेश्चन नंबर 5 में कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बताइए। आई एम आई कितने नंबर की संख्या होती है, कितने डिजिट, कितने डिजिट्स होते हैं इसके अंदर, बताना है आंसर, 10, 12, 13 या फिर 15। और आई एम ई आई की फुल फॉर्म भी बतानी है, मैम हिंदी की क्लास विवेक सर की ले सकते हैं क्या, अरे वो बहुत बेस्ट है, ले सकते हैं, वो तो लेनी चाहिए आपको। हिंदी की क्लास शाम को, रात को 8 बजे विवेक सर की होती है, उस क्लास को ले लिया करो, हिंदी पूरी हो जाएगी कंप्लीट। चलो आंसर यहां पर आना स्टार्ट हो चुका है, 12 और कुछ बच्चे यहां पर 15 आंसर भी कर रहे हैं, यहां पर आंसर आना स्टार्ट हो चुका है, 12 और कुछ बच्चे यहां पर आंसर कर रहे हैं 15। चलो देखते हैं यहां पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, देखते हैं यहां पर कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए तो बताइए जल्दी से आई एम ई आई के अंदर कितने नंबर होते हैं, फटाफट से आंसर करना है। और ये भी बताना है इसी के साथ कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। तो यहां पर जिन्होंने भी 15 डिजिट करा है 15 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई एम ई आई में टोटल 15 डिजिट होती है, कितनी होती है, 15 होती है। फुल फॉर्म क्या हो जाती है इसकी, इसकी फुल फॉर्म हो जाती है इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिफिकेशन या आइडेंटिफाई नंबर। क्लियर, लिख लेना इसको, नोट कर लेना, इंटरनेशनल 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 मोबाइल इक्विपमेंट, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी नंबर, आइडेंटिटी नंबर। ये क्या होती है, ये फुल फॉर्म होती है अगर हम बात करते हैं यहां पर आई एम ई आई के बारे में। एक और चीज याद रखना इसके अंदर, आई एम ई आई के अंदर अगर हम बात कर ही रहे हैं तो 15 इसमें क्या होती है, टोटल डिजिट्स होती हैं, और पूरे विश्व में जितने भी मोबाइल हैं उन सबका आई एम ई आई नंबर अलग होता है। अगर मोबाइल खो जाता है तो आईटी सेल की पुलिस में जाकर आप बताते हो तो वो बोलते हैं अपना आई एम ई आई नंबर लिखो, इसको ट्रैक किया जाएगा। वो अलग बात है अगर शातिर चोर ने उसको चुराया हो तो उसके पुर्जे पुर्जे हटा देता है, फिर वो मिलता नहीं है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में, क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ना है, बताना है इसका आंसर क्या होगा। वेबसाइट के पहले पेज को क्या कहते हैं, वेबसाइट के पहले पेज को क्या कहते हैं। एक ने 12 लिखना शुरू किया, सबने ही 12 लिख दिया कुछ बच्चों को छोड़कर, बताइए जल्दी से वेबसाइट के पहले पेज को क्या कहा जाता है, आंसर करना है जल्दी से। बिल्कुल इंटरनेशनल, वेरी गुड भाई, आंसर आ रहा है सभी का। उड़ान बैच का एएसआई के लिए क्लास ले लो, क्यों नहीं लेती हो, अरे भाई काला पानी की जेल करोगे। हाँ हम लेंगे क्लास, क्यों नहीं लेती हूँ मैं क्लास, मैं क्लास लेती हूँ भाई, बताओ कौन से वाले सेक्शन में नहीं ली, इतनी शिकायतें हैं। हाँ चलो उड़ान बैच के अंदर क्लास लगवाते हैं, हम कब लगवाएं, फिर मैं ऐसा करती हूँ एक दिन 5 बजे वाली क्लास नहीं लूँगी मैं, उड़ान बैच में लगवा लूँगी, फिक्र मत करो। ठीक है, आप ना नीचे ऑफलाइन कमेंट में ये चीज़ें लिख दिया करो, ठीक है, जितनी शिकायतें होती हैं आपकी। चलो तो यहां पर हम बात करती हूँ वेबसाइट का पहला पेज। अच्छा कल किस किसने HTML का कोड करके बनाकर देखा था, किया था किसी ने, मजा आया उसे करके। वेबसाइट के पहले पेज को होम पेज कहते हैं। वेबसाइट की अगर मैं बात करती हूँ तो वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेज, वेब पेज के कलेक्शन को ही वेबसाइट कहा जाता है। एक वेबसाइट के अंदर बहुत सारे अलग अलग वेब पेज होते हैं,
वेबसाइट के वेब पेज को HTML की कोडिंग से डिज़ाइन किया जाता है। HTML एक भाषा है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और इस भाषा को टिम बर्नर्ली के द्वारा डिज़ाइन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7, उमंग ऐप। क्वेश्चन नंबर 7, उमंग ऐप की शुरुआत कब की गई थी, बताइए जरा। उमंग ऐप की शुरुआत कौन से साल की गई थी, बताना है आंसर। ओके, बिल्कुल, चलिए तो यहां पर बताने जल्दी से। उड़ान कह रही हूं, उमंग जो ऐप आया उसकी शुरुआत कौन से साल की गई थी। चलो आंसर आना स्टार्ट हो चुका है यहां पर, बिल्कुल। कुछ बच्चों को आंसर 1 आ रहा है, कुछ का आ रहा है 2। देखो उमंग ऐप की अगर मैं बात करती हूं तो उमंग की जो शुरुआत की गई वो 2017 में की गई थी। उमंग एप्लीकेशन की जो शुरुआत की गई थी वो 2017 में की गई थी। मैं मैक्सिमम फॉन्ट कितना बढ़ाया जा सकता है वर्ड के अंदर, मैक्सिमम फॉन्ट की अगर मैं बात करती हूँ एमएस वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर, वैसे इस क्वेश्चन को बाद में पूछा करो भाई डाउट को, हमें जो अनुमति देती है एप्लीकेशन वो छोटे से छोटा 8, बड़े से बड़ा 72 देती है। लेकिन अगर आप अपने आप से बढ़ाते हो तो आप 1 से लेकर 1638 तक इसके फॉन्ट के आकार को बढ़ा सकते हो। ठीक है, क्लियर है, यहाँ पर आगे चले। अच्छा ये बताना मुझे कमेंट करके 2019 किसका आ रहा है, ऑप्शन में भी नहीं है वो। तो यहाँ पर देखो, याद रखना उमंग ऐप की शुरुआत 2017 में हुई। उमंग ऐप किससे रिलेटेड है बताओ जरा एक बार फटाफट, उमंग ऐप किससे संबंधित है, कौन से विषय से संबंधित उमंग ऐप लाया गया था, बताइए। 1 बजे वाली पॉलिटी की क्लास नहीं हो रही है, होनी तो चाहिए थी। चलो अगर 1 बजे वाली पॉलिटी की क्लास नहीं हो रही है तो हो सकता है भाई, क्योंकि मैम की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, हो सकता है इस वजह से नहीं क्लास ली गई हो। ठीक है चलो बताओ फटाफट से इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, ब्लॉगर किसको कहा जाता है, ब्लॉगर किसको कहा जाता है, बिल्कुल। उमंग ऐप क्या है ये, उमंग ऐप, उमंग ऐप गवर्नमेंट की एक एप्लीकेशन है जिसमें सरकार की सारी सुख सुविधाएं दी जाती है। अब जैसे गवर्नमेंट से आप डायरेक्ट जुड़ सकते हो उमंग ऐप के द्वारा, कैसे जुड़ सकते हो, इसके अंदर आधार कार्ड में कोई भी आपको अगर करेक्शन करवाना है फोटो चेंज करवाने के अलावा, क्योंकि फोटो तब भी वैसी आनी होती है, अगर आधार कार्ड में आपको कोई करेक्शन करवाना है, पता चेंज करवाना है, फोन नंबर चेंज करवाना है, कोई भी चीज़ अगर आपको करेक्शन करवाना है तो आप डायरेक्टली इस उमंग ऐप में जाकर करवा सकते हो। पैन कार्ड के लिए अर्जी देनी है, पासपोर्ट के लिए अर्जी देनी है, कोई भी काम अगर आपको करवाना है जो कि सरकार से रिलेटेड हो, सरकारी संस्था से, तो आप डायरेक्टली उमंग ऐप से करवा सकते हो, आपको दफ्तर में जाके लाइन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये सरकार की मुहिम 2017 में शुरू की गई। ब्लॉगर किसको कहा जाता है, तो ब्लॉगर ब्लॉग बनाने वाले को, ब्लॉग लिखने को, ब्लॉग पढ़ने वाले को, या किसी को भी नहीं, तो ब्लॉग लिखने वाले को। दो चीज़ें होती हैं, एक होता है वी लॉग और एक होता है बी लॉग, एक होता है वी लॉग और एक होता है बी लॉग, ये दो चीजें होती हैं, क्लियर है। वी से होता है वीडियो, वी से होता है वीडियो, तो जो वीडियो नहीं बनाते हैं वो ब्लॉगर कहलाते हैं, वीडियो। जैसे कि मैं आज केदारनाथ गई, तो केदारनाथ में इतनी बर्फ पड़ रही है और केदारनाथ में यहाँ पर देखो इतना प्यारा ये मंदिर है, यहीं पर जब मतलब त्रासदी आई थी तो इतना बड़ा पत्थर अटका दिया था, अब उसकी भी पूजा की जाती है। केदारनाथ से और ऊपर चली गई मैं गंगोत्री, ये देखो गंगोत्री है, यहीं से गंगा जी निकलती हैं, नहीं देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग। तो ये सारी चीज़ें आप जब दिखाते हो, वीडियो में दिखाओगे तो वो व्लॉगिंग कहलाएगी, व्लॉगर कहलाओगे। अगर वो चीज़ आप वीडियो में दिखाते हो, वीडियो में किसी चीज़ का संक्षिप्त में अगर क्या करते हो, संक्षिप्त मतलब पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ अगर वो चीज़ प्रदर्शित करते हो तो वो व्लॉगिंग कहलाती है। बी लॉग का मतलब, बी से याद रखना बुक, बुक का मतलब जिसमें चीज़ें लिखी जाती हैं। बहुत सारे ऐसे पेज होते हैं जिसमें आप लिखकर चीज़ों को दिखाते हो, आप लिखते हो कि अहम रुद्रप्रयागम गयंती, कुछ भी आप जो लिखते हो कि भाई मैं यहाँ पर गई, वहाँ पर ऐसी ऐसी चीज़ें थी, आपने लिखकर वो चीज़ किसी को समझाई, दिखाई, सुनाई, तो वो आपकी ब्लॉगिंग कहलाती है। तो ब्लॉगर वो व्यक्ति होता है जो लिखता है, जो ब्लॉग बनाता और लिखता है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट देता है एग्जाम्पल जुमला, जुमला एक ऐसी वेबसाइट है जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है ब्लॉगिंग करने के लिए, लिखने के लिए, क्लियर। आगे चलें,
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। POS में क्या आवश्यक होता है? POS में क्या आवश्यक होता है? पहले यहाँ देखना POS होता क्या है, उसके बाद इसके अंदर किसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है, फिर वो भी देखेंगे। ठीक है, चलो बताओ POS में क्या आवश्यक होता है, आंसर करके बताना है फटाफट से। POS में क्या आवश्यक होता है, जल्दी से आंसर करके बताना है। यहां पर कौन सा क्वेश्चन लगाया हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 9 कौन सा ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा? पासवर्ड, प्रिंट, फिंगरप्रिंट या पासबुक? एक क्लू देती हूं, POS की फुल फॉर्म होती है पॉइंट ऑफ सेल, वो पॉइंट जहां पर आप वस्तुओं को या सामान को बेचते हैं, पॉइंट ऑफ सेल। POS में बताना है जल्दी से फटाफट से कि किसकी आवश्यकता होती है, तो POS पॉइंट ऑफ सेल के अंदर यहां पर पासवर्ड की आवश्यकता होती है, फिंगरप्रिंट नहीं, पासवर्ड की आवश्यकता होती है। ठीक है, बिल्कुल, किसकी आवश्यकता होती है, फिंगरप्रिंट की नहीं, पासवर्ड, पासवर्ड चाहिए होता है। जैसे मैं आपको बताती हूँ, अम्मा की दुकान वेबसाइट है, फ्लिपकार्ट वेबसाइट है, बहुत सारी अलग अलग वेबसाइट्स होती हैं, एप्लीकेशंस होती हैं जहाँ पर जाकर आप खरीदारी करते हो, उसमें आपको अपनी एक आईडी बनानी पड़ती है और पासवर्ड चाहिए होता है उसके अंदर एंट्री लेने के लिए। तो जब भी POS की बात करें, मतलब पॉइंट ऑफ सेल जहाँ पर वस्तुओं को खरीदा बेचा जा सकता हो, उसके लिए हमें पासवर्ड की जरूरत पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 10, प्रोटोकॉल क्या है? प्रोटोकॉल किसको कहा जाता है? प्रोटोकॉल किसको कहा जाता है? प्रोटोकॉल क्या प्रोग्राम को कहा जाता है? प्रोटोकॉल क्या सॉफ्टवेयर को कहा जाता है? प्रोटोकॉल क्या सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस को कहा जाता है? कौन सा ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा? कौन सा ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही होगा, बताइए जल्दी से आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, फटाफट से आंसर करके बताना है यहां पे। अच्छा, ये बच्चों ने कंफ्यूज कर दिया। हाँ, तो क्यों कंफ्यूज हुए और कमेंट क्यों देखते हो, अपने ऊपर विश्वास नहीं है? चलो आंसर यहां पर आना स्टार्ट हो चुका है, 10 का सी बिल्कुल सही, प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल का मतलब होता है नियम व कानून, किसी भी चीज को एक दायरे के अंदर रहकर काम करना पड़ता है, नहीं तो आपके इंटरनेट के मैसेज भेज आप किसी और को रहे हो, चले किसी और को जाएंगे, ये वाला केस हो जाएगा। तो जब आपका आर्पानेट, अमेरिका ने इंटरनेट की सबसे पहली शाखा शुरू करी आर्पानेट, तो जब आर्पानेट को इंटरनेट में तब्दील किया गया था 1970 के टाइम, आर्पानेट को इंटरनेट में 1970 के टाइम जब चेंज किया गया, तब्दील किया गया था, तो फिर इस इंटरनेट को ही क्या किया गया, इसमें दो प्रोटोकॉल को जोड़ा गया, एक ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल TCP और एक इंटरनेट प्रोटोकॉल IP, इन दोनों को जोड़ा गया था। क्लियर है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ना है, बताना है क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या होगा। NEFT की स्थापना कब हुई थी? NEFT नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, NEFT नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। अब आप घर बैठे केवल अपने मोबाइल से पैसों को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर आप दिल्ली रहते हैं, आपके घर वाले रहते हैं कहाँ, गाजियाबाद, और आपको अपनी मम्मी या पापा को क्या करना है, पैसे ट्रांसफर करने, छोटे भाई बहन को करने, बड़े भाई बहन को करने हैं, तो अब आप NEFT कर सकते हो। इसमें RTGS भी होता है, इसमें एक इमीडिएट पेमेंट IMAP भी होता है। ठीक है, तो एक होता है आपका NEFT, एक लिख लेना RTGS। इसकी भी फुल फॉर्म पूछी जाती है कई बार, इसकी फुल फॉर्म होती है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। क्या होती है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है आपको कि NEFT की स्थापना कब की गई थी। आंसर आना स्टार्ट हो चुका है, 2005 आंसर यहां पर आ रहा है, 2006 भी आना शुरू हो चुका है। बिल्कुल, जिनने 2005 दिया है नवंबर, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, नवंबर 2005 में NEFT की शुरुआत हुई। इससे पहले हम लोग बैंकों की लाइन में लगते थे, हमको ड्राफ्ट भरना पड़ता था, हमको क्या करना पड़ता था, या फिर चेक साइन करवा के लाना पड़ता था एक जगह से दूसरी जगह को, क्या करने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए, पैसों को ट्रांसफर करवाने के लिए, ना। आगे चले, बिल्कुल, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ट्रांसफर के द्वारा, IMF के द्वारा ये वो होती है, प्रमाणित होती है। उमंग क्या एक एप्लीकेशन है, हाँ या ना, ट्रू या फॉल्स? इसका तो जिसने गलत किया ना, अपने घर जाकर जितने कांच के बर्तन है तोड़ देना,
फिर मम्मी सजा दे देंगी। अभी क्योंकि मैंने इसके बारे में बताया, उमंग के बारे में मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया। बताओ ट्रू या फॉल्स, उमंग क्या कोई एप्लीकेशन होती है? बताइए। ओके, जल्दी से बताने आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे। बिल्कुल सही, उमंग एक एप्लीकेशन है, ये बिल्कुल ट्रू है। उमंग एप्लीकेशन है जिसको 2017 में बनाया गया ताकि आप सरकारी काम काजों से इंटरनेट से जुड़कर ही अपना काम कर सके, आपको लाइनों में लगने की जरूरत ना पड़े। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं, क्या दिया हुआ है? कंप्यूटर की अब तक कितनी पीढ़ी आ चुकी है? कंप्यूटर की अब तक कितनी पीढ़ी आ चुकी है? जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कितनी जनरेशन आ चुकी है कंप्यूटर की, कितनी जनरेशन आ चुकी है? बताइए आंसर क्या होगा यहां पर, बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 के लिए, कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है, करके बताइए फटाफट से। कंप्यूटर की कितनी जनरेशन आ चुकी है? कांच के बर्तन है ही नहीं। चलो तो यहां पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? यहां पर आएगा 5। कंप्यूटर की 5 जनरेशन, 5 पीढ़ियां हैं। फटाफट से एक बार रिवीजन कर लो। पहली पीढ़ी 1942 से लेकर 1955 तक चली, ठीक है। दूसरी पीढ़ी 1955 से लेकर 1964 तक चली। तीसरी पीढ़ी 1964 से लेकर 1975 तक चली। चौथी पीढ़ी 1975 से लेकर 1989 तक चली। पांचवी पीढ़ी 1989 से लेकर और अब तक चली रही है ना, क्योंकि अभी तक ये पूरी तरह काम नहीं कर पाई। फर्स्ट जनरेशन के अंदर, क्योंकि कंप्यूटर एक बिजली से चलने वाली क्या है, बिजली भाई एक क्या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है कंप्यूटर, बिजली से चलता है। तो पहली बार बिजली को इसके कंप्यूटर के अंदर भेजने के लिए वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया। किसका? वैक्यूम ट्यूब का और वॉल्स का इस्तेमाल किया गया था। दूसरी बार के लिए ट्रांजिस्टर को लगा दिया गया। किसको? ट्रांजिस्टर को। तीसरी बार इंटीग्रेटेड सर्किट या आईटी आ गया, आईसी आ गया। इंटीग्रेटेड सर्किट के भी तीसरी बार में स्मॉल स्केल इंटीग्रेटेड आया था और मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड आया था। चौथी के अंदर क्या हुआ था? माइक्रो प्रोसेसर आया था। बताया भी करो भाई आप लोग, कौन सा आया था? माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार हुआ। पांचवी पीढ़ी के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई। चौथी पीढ़ी के अंदर वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट आई। और पांचवी पीढ़ी के अंदर एक तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई थी, कृत्रिम बुद्धिमता बोला जाता है, कृत्रिम बुद्धिमता बोला जाता है इसको, और इसी के साथ आपकी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट भी आई। अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट भी आई। कोई सब बच गया यहां पर? ब्लैक बच गया। देखो वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार किया गया लेडी फॉरेस्ट नाम के व्यक्ति के द्वारा, जंगल में लेकर गए थे बल्ब। ट्रांजिस्टर शॉक लगा लगा लगा, पहले व्यक्ति थे शॉकले, शॉक लगेगा तो बर्डन आ जाएगा सर पर, बर्डन दूसरे व्यक्ति, बर्डन आ जाएगा तो लोग कहेंगे लो ब्रिटानिया का बिस्किट खा लो, इसके अंदर क्या है? ग्लूकोज है। तो तीसरे व्यक्ति ब्रिटेन। तीनों को फिजिक्स के अंदर नोबेल प्राइज का भी मतलब पुरस्कार मिला है। इंटीग्रेटेड सर्किट, मुन्ना भाई MBBS सर्किट से क्या करता था? लोगों को मारता था, किल भी किल करता था, और लोग बोलते थे नोई नोई हमको मत मारो। तो रॉबर्ट किलबी और जैक किलबी और रॉबर्ट नॉय, ये दो व्यक्ति थे। माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किया था इंटेल कंपनी ने किया था, इंटेल 4004, और दो व्यक्ति थे जिन्होंने इसका आविष्कार किया। एक था फेडरिक फैगन नाम के व्यक्ति थे और दूसरे थे टेड हॉफ। टेडी को नागिन ने काट लिया, टेड हॉफ। ULSI कुछ नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस याद रखना, कृत्रिम बुद्धिमता बोला जाता है इसको हिंदी में। एक ऐसी टेक्नोलॉजी या एक ऐसी तकनीकी जिसका इस्तेमाल करके हूबहू रोबोट भी इंसान की तरह बोलता है। और क्या किसको बोला जाता है? इसके पितामह जॉन मैकार्थे नाम के व्यक्ति ही लेकर आए थे। मैकार्थे, क्या हुआ था इनके माथे में दर्द हो गया था बार बार रोबोट बनाते बनाते। तो यहां पर ये सारी चीजें आपको पता चली और डिटेल में आपको याद भी हो गई होगी जहां तक मुझे लगता है। क्लियर, चलो आगे चलते हैं, ठीक है इतना। ओके चलो नेक्स्ट देखते हैं। यहां पर स्क्रीनशॉट लेना है तो फटाफट से एक बार पॉज करके जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेना। सोफिया बिल्कुल क्या थी? सोफिया पहली रोबोट थी जो बनाई गई और भारत की तरफ से बनाया गया। कौन सा रोबोट? व्योम मित्र। क्लियर, आगे चले, चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे आपके स्क्रीन पर, ये रहा क्वेश्चन नंबर 14।
DES की फुल फॉर्म क्या होती है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DES? बताइए DES की फुल फॉर्म क्या होती है, बताना है। क्वेश्चन नंबर 14 में कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? मैम ऑफलाइन क्लास शुरू हो गई है क्या? अभी नहीं, बट जहां तक लग रहा है कि नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट हो जाएंगी आपकी। भगवान करे, बस कोरोना को जितना आना था और जितना जाना था वो आकर चला गया, आगे कुछ ना ऐसा हो। तो जहां तक मुझे लगता है कि स्टार्ट हो जाएंगी आपकी नेक्स्ट मंथ। क्वेश्चन नंबर DES बताओ 14 के बारे में, DES की फुल फॉर्म क्या होती है? DES की फुल फॉर्म क्या होती है? तो DES की फुल फॉर्म होती है डेटा एनक्रिप्शन स्टैंडर्ड। डेटा को एनक्रिप्ट करके इसका स्टैंडर्ड बनाना, ताकि 00 या 11 में उसको चेंज किया जा सके। ऑप्शन ए इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगर ए नहीं होता तो आप इसको सिस्टम बी बनाते। भाई क्लास में अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रही हो, चीज इंफॉर्मेटिव हो, तो बिल्कुल क्लास को एक बार लाइक कर देना, शेयर बाद में करना, अभी पहले पढ़ने पर ध्यान दे दो। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया हुआ है? लैन और वैन में कौन सा ज्यादा तेज होता है? लैन ज्यादा तेज काम करेगा या वैन करेगा? लैन वैन में से कौन सा ज्यादा तेज होता है? कोई ऐसा तो नहीं है जिसको यही नहीं पता लैन क्या होता है, वैन क्या होता है? बताइए जल्दी से आंसर क्या हो जाएगा यहां पर। क्वेश्चन नंबर 15 कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बताओ? बिल्कुल क्लास ले सकते हो। देखो मैं आपको यही चीज बताती हूँ, आप क्लास को लो, जिस भी एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, जिस भी एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं उस एग्जाम के प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व कर लिया करो, आपकी जो शंका होती है वो खत्म हो जाएगी, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताना है। आंसर यहां पर आना स्टार्ट हो चुका है। बिल्कुल लैन ज्यादा तेज काम करता है। लैन की फुल फॉर्म होती है लोकल एरिया नेटवर्क। लैन की फुल फॉर्म होती है लोकल एरिया नेटवर्क। वैन की फुल फॉर्म होती है वाइड एरिया नेटवर्क। लैन का मतलब वो नेटवर्क जिसमें आप तारों की मदद से नेटवर्क को स्थापित करते हैं, मतलब वायर की मदद लेते हैं आप। वैन का मतलब ये इंटरनेट होता है, ब्रॉडबैंड पूरे के पूरे विश्व में एक साथ काम करता है। इसी के अंदर एक होता है मैन। मैन की फुल फॉर्म होती है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का मतलब होता है एक शहर से अगर दूसरे शहर को जोड़ने की बात की जाए तो वहां पे मैन का इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे केबल और टीवी, केबल टीवी होता है। मुंबई में कोई चीज टेलीकास्ट की गई वो आपको सामने टीवी पर दिल्ली में बैठकर आप देख रहे हो, वो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के अंतर्गत आता है। क्लियर? आगे चले। ओके ओके ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। यहां पर क्वेश्चन नंबर 15 का ही हो गया, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, 16 रहने दो, चलो या फिर कर ही लो। क्वेश्चन नंबर 16 देख लो। लिब्रे ऑफिस राइटर में किसी भी टेक्स्ट को कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वाई से रिपीट किया जा सकता है, क्या ये सत्य है या असत्य है बताओ? अजय पूनिया जी, क्या मेरी कंप्यूटर की बुक मिलती है? देखो देखा जाएगा, ठीक है, आपकी भारी मात्रा में डिमांड होगी तो बिल्कुल एग्जामपुर से कंप्यूटर की बुक भी निकल जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का बताना है आंसर क्या होगा यहां पर। तो देखो लिब्रे ऑफिस राइटर का मतलब होता है जैसे हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में वर्ड होता है ना, ऐसे लिब्रे ऑफिस के अंदर राइटर होता है। क्लियर? कंट्रोल प्लस शिफ्ट से आप क्या कर सकते हो, सपोज मैंने यहां पर लिखा कंप्यूटर, अब मैंने इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वाई कर दिया तो अब यही शब्द बार बार रिपीट होगा, बार बार कंप्यूटर लिखा हुआ आएगा, बार बार कंप्यूटर लिखा हुआ आएगा। तो बिल्कुल लिब्रे ऑफिस राइटर में कंट्रोल शिफ्ट और वाई के साथ कोई भी शब्द आप बहुत बार रिपीट कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 17 देखो, ये बताओ मैक एड्रेस, ये है बहुत प्यारा क्वेश्चन। मैक एड्रेस कितने बिट का होता है बताना है, मैक एड्रेस कितने बिट का होता है? जैसे आईपी एड्रेस, जैसे आईपी एड्रेस होता है ना, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, इसमें दो वर्जन मैंने आपको बताया, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। वर्जन 4 32 बिट का होता है और वर्जन 6 की मैं बात करती हूं तो 128 बिट का होता है।
मतलब इतनी मेमोरी में जगह चाहिए होती है उसे अपना काम करने के लिए। मैक एड्रेस कितने बिट की जगह लेता है आपके कंप्यूटर के अंदर बताइए? 48 आ रहा है यहां पर, 32 बिट आ रहा है यहां पर। ओके ओके ओके, आंसर यहां पर करना है जल्दी से। 17 का आंसर क्या जाएगा? तो भाई यहां पर आंसर 32 कर रहे हो, 32 नहीं होगा इसका आंसर, 48 इसका करेक्ट आंसर होगा। मैक की फुल फॉर्म होती है मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। अब कैसे पहचानोगे कि कोई एड्रेस मैक है या नहीं? मैक एड्रेस होता है जैसे आप ब्लूटूथ लगाते हो ना, ब्लूटूथ होता है ना भाई, ब्लूटूथ हम कनेक्ट करते हैं अपने मोबाइल फोन से या लैपटॉप से कंप्यूटर से। जब आप ब्लूटूथ मतलब कनेक्ट करते हो तो ब्लूटूथ के लिए, प्रिंटर के लिए, माइक्रोफोन के लिए अलग अलग इसके मैक एड्रेस होते हैं। मीडिया को जब आप कनेक्ट करते हो इसको 6 भागों में डिवाइड किया जाता है, इसको 6 पार्ट में क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है, और डिवाइड करते हैं सेमी कॉलन से, और प्रत्येक 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 भाग को 2-2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। जैसे मैंने लिखा यहां पर, ये भी इतना ही होता है, 0 से लेकर 9 तक की वैल्यू आती है, ए से लेकर एफ तक के अल्फाबेट। जैसे मैंने लिखा 1-2 सेमी कॉलन, A6 सेमी कॉलन, 2E सेमी कॉलन, F9 सेमी कॉलन, 6-2 सेमी कॉलन, D3। क्या ये आईपी एड्रेस है बताओ? आईपी एड्रेस करी, सॉरी मैक एड्रेस है। क्या ये मैक एड्रेस है? बिल्कुल। कितने भाग में डिवाइड है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। क्या इन दोनों के बीच में कॉलन आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। क्या प्रत्येक भाग 2-2 अक्षर में डिवाइड है? यहां पर भी 2 अक्षर हैं, यहां पर भी 2, यहां पर भी 2, यहां पर भी 2, यहां पर भी 2, यहां पर भी 2। बिल्कुल, ये एक मैक एड्रेस हो सकता है। क्लियर है? क्या हो जाएगा यहां पे आंसर? अच्छा, सिंपल लैंग्वेज में बुक निकाल दें जैसा मैं पढ़ाती हूं उसी भाषा में। चलो देखते हैं, ठीक है, चलो देखते हैं। ओके, चलो एक मिनट। क्या ये कौन बोल रहा है? किसी का नाम लिखा है फिर बोल रहे हो आप? क्या छोड़ के मत जाओ आधे रास्ते में? तो यहां पर आप छोड़ने और छुड़ाने के लिए आते हो 1 बजे या पढ़ने के लिए आते हो? अभी छूट ही जाओगे फिर। आगे क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। यहां पर G2G का अर्थ क्या होता है? What is the meaning of G2G? फुल फॉर्म बतानी है। मैंने बोल रखा है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, आप जो लिखते हो ना सब दिख जाता है, इसलिए मत लिखा करो। चलिए, ऑफलाइन कमेंट कैसे करूंगा मैम? ऑफलाइन कमेंट कैसे करना है? जब वीडियो खत्म हो जाती है तो नीचे स्पेस होता है, आराम से वहां पर लिख दिया करो, ठीक है? चलिए, ओके ओके ओके, जल्दी से आंसर करना है। यहां पर जो बातें हो रही है मत करो, ज्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो फिर से मैं बोल दूंगी कुछ, तो शांति से पढ़ लिया करो जब मैं पढ़ाया करूं, ठीक है? G2G की फुल फॉर्म होती है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। आंसर नहीं हो रहे हैं पर बातें हो रही हैं। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट का मतलब होता है, देखो कुछ ऐसी एप्लीकेशंस बनाई जाती हैं, कुछ ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जो केवल 2 गवर्नमेंट 2 सरकारों के बीच में काम करती हैं। जैसे जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, भाई सेंटर में किसकी गवर्नमेंट है? बीजेपी है। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कोई काम स्टेट गवर्नमेंट में बांटना चाहती है, तो अगर सेंट्रल, कौन से उसमें लिखा है आर्टिकल में, ये जो सूची होती है भाई, यूनियन सूची जो होती है, यूनियन इंडेक्स आता है आपका, स्टेट आता है और कॉन्करेंट लिस्ट आती है, कौन से उसमें है बताओ? तो कंट्रोल, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर स्टेट गवर्नमेंट को अपने अपने डिपार्टमेंट की चीजें एप्लीकेशन पर दिखाना चाहती है तो इनके लिए अलग से क्या आता है, एप्लीकेशन या वेबसाइट बनती है। एक गवर्नमेंट से दूसरे गवर्नमेंट के पास जब सम्मेलन होते थे तो बहुत सारे राज्य के लोग एक साथ नहीं मिल पाते थे, नहीं तो दिल्ली में सब लोग आ जाते थे, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाता था, पार्लियामेंट वगैरह में सेशन होते थे। बट जब कोरोना इतना ज्यादा पीक पर आ गया तो फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करनी पड़ी। वहां पर जिन कीज का या जिन वेबसाइट्स का इस्तेमाल होता था वो G2G थी, गवर्नमेंट से लेकर गवर्नमेंट तक ही चलती थी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। क्या कीबोर्ड आउटपुट डिवाइस होता है? इस क्वेश्चन को जो गलत करेगा उसका इंतजार है मुझे।
क्या कीबोर्ड एक आउटपुट डिवाइस है, ये सही है या नहीं बताओ जल्दी से। चलिए बताइए जल्दी से आंसर क्या हो जाएगा यहां पे। जल्दी से आंसर करना है यहां पर, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल आंसर यहां पर आना स्टार्ट हो चुका है। कीबोर्ड क्या एक आउटपुट डिवाइस होता है? नहीं, ये वाला स्टेटमेंट गलत है। कौन बोला कीबोर्ड आउटपुट है? कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस होता है, कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस होता है। कीबोर्ड मानक कीबोर्ड के अंदर 101 104 की पाई जाती है। कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या होती है टोटल 12। कीबोर्ड में टॉगल की दो होती है, टॉगल की का मतलब होता है एक की और काम दो। टॉगल की में आती है कैप्स लॉक वाली की, पहली बार दबाओ कैपिटल, दूसरी बार दबाओ स्मॉल लेटर होते हैं। दूसरी आती है नंबर लॉक की, पहली बार दबाओ डायरेक्शन का इस्तेमाल करेंगे और दूसरी बार दबाओगे तो 1 2 3 4 नंबर दबते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखोगे 20-20 क्या दे रखा है यहां पर। हम आधार के बिना डिजी लॉकर का प्रयोग कर सकते हैं? क्या आधार के बिना डिजी लॉकर का प्रयोग किया जा सकता है? ट्रू या फॉल्स? डिजी लॉकर अभी बात की थी कुछ टाइम पहले। क्वेश्चन नंबर 20 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? हरियाणा के लिए जो कंप्यूटर की क्लासेस चल रही हैं वो आपकी चलती है शाम को 5 बजे। कल हुई थी, अगर आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ने देखा हो, ठीक है, कल हुई थी, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने क्लास कल देखी भी थी। हरियाणा वाला चैनल है हमारा, हरियाणा एग्जाम्स बाय एग्जामपुर, यहाँ पर हरियाणा वाले बच्चों के लिए तैयारी करवाई जाती है ना, हरियाणा एग्जाम्स बाय एग्जामपुर। तो यहीं पर क्लास हुई थी आपकी कल 5 बजे कंप्यूटर की। आज सोच रही मैं क्लास ले लेते हैं 5 बजे कंप्यूटर की हरियाणा के लिए ना। अभी मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही, मेरे को ना गले में दर्द हो रहा है, सब कुछ ओके ओके रहता है तो मैं शाम को क्लास ले लूंगी ना। चलो, और बाकी एमपी के लिए भी, मध्य प्रदेश के लिए भी एमपी एग्जाम्स बाय एग्जामपुर वाली भी क्लास चल रही है, एमपी एग्जाम्स बाय एग्जामपुर वाली क्लास भी चल रही है। ये शुरू के 3 दिन होती है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, और ये देखा जाए तो लास्ट के 3 दिन थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। ठीक है, हाँ, क्वेश्चन नंबर 20 की बात कर रहे थे, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ये बताइए। क्वेश्चन नंबर 20 में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बिल्कुल, हम आधार के बिना डिजी लॉकर का प्रयोग कर सकते हैं? नहीं, नक्को, बिल्कुल भी नहीं, स्टेटमेंट गलत है। डिजी लॉकर को इस्तेमाल करने के लिए आपको आधार कार्ड का एनरोलमेंट नंबर डालना पड़ता है। जब वो आप एनरोलमेंट नंबर डालते हो तभी वो आपकी सारी डिटेल को मैच कर उसको अच्छे से प्रोटेक्ट करके रखता है। तो डिजी लॉकर में आधार कार्ड डालना बेहद जरूरी होता है। क्वेश्चन नंबर 21 देखना है, बताना है क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर क्या हो जाएगा। स्क्रीन में टास्क बार को निम्न स्थान पर सेट नहीं किया जा सकता, इनमें से कहां पर आप क्या नहीं कर सकते हो? अच्छा, इनमें से कहां पर आप टास्क बार को सेट नहीं कर सकते? राइट में, सेंटर में, लेफ्ट में या बॉटम में? क्वेश्चन नंबर 21 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? चलिए बताना है आंसर क्या होगा यहां पर। क्या कह रहे हो मैम, आपको कोरोना है, गले में दर्द हो रहा है? तो अरे नहीं, बहुत सारी चीजें होती है ना, गले में दर्द उग जाता है। बताओ भाई, 6-7 घंटे बोलूंगी तो हल्का फुल्का तो दर्द होगा। हाँ चलो, क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बताओ जल्दी से, इतना ध्यान यहां पर दे लोगे क्वेश्चन का आंसर निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे? क्वेश्चन नंबर 21 कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा? जाहिर सी बात है, आपने कभी सेंटर में कहीं भी अलाइनमेंट नहीं देखा होगा, सेंटर इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। सेंटर मतलब ऑप्शन बी इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 22, 25 क्वेश्चन है, 24 क्वेश्चन है ये। कितना टाइम है अभी? तो टाइम है ना अपने पास, कितना टाइम हो रहा है? अरे अभी तो बहुत टाइम है। सभी आउटगोइंग संदेशों को किसमें संग्रहित किया जाता है? आउटगोइंग, आधी इंग्लिश आधी हिंदी। चलो, जितने भी आउटगोइंग मैसेजेस होते हैं, जितने भी आउटगोइंग मैसेजेस होते हैं उनको किसके अंदर स्टोर करके रखा जाता है ये बताना है आपको। ऑप्शन दे रखा है इनबॉक्स, आउटबॉक्स, सेंट बॉक्स या इनमें से कोई भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 22 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बताइए?
क्वेश्चन नंबर 22 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? आउटगोइंग मतलब आपके यहां से वो मेल पहुंच चुका है, आउटगोइंग मैसेजेस, आपके यहां से वो मेल पहुंच चुका है, आपके वहां से मेल पहुंच चुका है, इसका मतलब अब वो कहां पर होगा? सेंट बॉक्स में होगा। आउटगोइंग जा चुका है, जाने वाले चले गए, तो वो आउटगोइंग में आ जाएगा। क्लियर है? आगे चली। ओके 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 ओके, बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 का सेंट बॉक्स करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 पे। ड्राफ्ट में होता है जब हम मैसेज लिखकर सेव करके रखते हैं केवल, ठीक है, और आउटबॉक्स में जाता है जब आपने मैसेज भेज दिया पर आपके वहां से नहीं गया, है ना, तो वो जब तक जाएगा नहीं तब तक आउटबॉक्स में रहेगा। लेकिन कंप्लीटली आउटगोइंग हो चुका है, आपके यहां से मैसेज निकल चुका है बिल्कुल चीते की रफ्तार में, तो वो सेंट होकर ही मानेगा, सेंट बॉक्स में आएगा। लाइनेक्स एक नेटवर्क है, क्या लाइनेक्स एक नेटवर्क है? हाँ या ना बताइए, क्या लाइनेक्स एक नेटवर्क होगा? बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहां पर? क्या लाइनेक्स एक नेटवर्क है? क्वेश्चन नंबर 23 किसने बोला है? नहीं, लाइनेक्स क्या है? तो देखो लाइनेक्स की दो स्पेलिंग होती है, एक लाइनेक्स की ये वाली स्पेलिंग है, एक लाइनेक्स की ये स्पेलिंग है। ये वाला लाइनेक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, वो भी ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ओपन सोर्स मतलब मुफ्त 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 है, कहीं पर भी कभी पर भी मुफ्त में आप इसे खोलकर चला सकते हो, ठीक है। लाइनेक्स आपका एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ओपन सोर्स मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, ठीक है। ये वाला जो लाइनेक्स है ये आपका एक वेब ब्राउजर होता है, ये वाली जो स्पेलिंग का लाइनेक्स है ये आपका क्या होता है? ये आपका एक वेब ब्राउजर होता है। क्लियर? क्या होता है? वेब ब्राउजर होता है। इसके अंदर केवल लिखी हुई चीजें दिखाई देती हैं, आपको कोई चित्र नहीं दिखेगा, केवल लिखी हुई चीजें आप सर्च करोगे वही दिखाई देगा, है ना। वेब ब्राउजर, अरे इसको वो लिखो सर्च इंजन, सॉरी लाइनेक्स को लिखो, ये सर्च इंजन होता है। ये वाला लाइनेक्स आपका एक सर्च इंजन होता है जिसमें हम चीजें ढूंढते हैं, ये वाला लाइनेक्स आपका एक सर्च इंजन होता है। इसमें केवल लिखी हुई चीजें दिखाई देती हैं, आपको चित्र नहीं दिखेंगे, जैसे गूगल में वीडियो भी आ जाती है, फोटोज भी आ जाती हैं, लेकिन इस लाइनेक्स में केवल लिखी हुई चीजें ही दिखाई देती हैं। क्लियर? चलो आगे चलेंगे, लास्ट ही क्वेश्चन बचा, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या दे रखा है आपको, देखो क्वेश्चन नंबर 24 की हम बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 24 यहां पर दिया हुआ है, क्या यहां पर दे रखा है आपको? राइटर में प्रवेश करने के लिए किस पर कर्सर किस स्लाइड साइड में होता है? अच्छा, राइटर में जब आप प्रवेश करते हैं तो कर्सर कौन से साइड पर होता है? अच्छा क्वेश्चन है, बताना जरा। क्वेश्चन नंबर 24 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बताइए? देखो क्या होता है, चाहे मैं बात करूं राइटर की, अगर राइटर नहीं आपको समझ में आता है तो वर्ड लिख दो, एमएस वर्ड। जब आप एमएस वर्ड को ओपन करते हो, winword.exe कमांड होती है वर्ड को ओपन करने की, वर्ड को ओपन करने की कमांड होती है winword.exe, याद आया कुछ कुछ? चलो जैसे मैं एमएस वर्ड को ओपन करती हूँ वैसे ही जो कर्सर होता है वो किधर की साइड होता है ओपन करते के साथ ही, तो कर्सर हमेशा लेफ्ट साइड आता है, यहां पर कर्सर होगा। जो भी लिखना शुरू करोगे टपर टपर वो यहां से लिखना शुरू हो जाता है, तो कर्सर हमेशा लेफ्ट साइड होता है, बिल्कुल ठीक है। क्लियर? अब यहां पर मैं देना चाह रही हूं आप लोगों को होमवर्क, जिसका आंसर आप लोगों को करना ही करना है, आपके पास कोई विकल्प नहीं है, नहीं करोगे तो फिर हम क्या ही करें ना, बट क्वेश्चन का आंसर जरूर आप लोगों को करके देना होगा। क्लियर? क्वेश्चन का आंसर आपको जरूर करके देना है ना, होमवर्क की मैं बात कर रही हूँ। होमवर्क क्या है? होमवर्क आज का ही हो जाएगा। अच्छा अमेज़न है, अमेज़न है कंपनी, और एक ले लो गूगल, और एक ले लो फ्लिपकार्ट, और बस ये ले लो। क्या इन तीनों का कोई एग्रीमेंट हुआ है 2020 से लेकर 2021 के बीच में? क्या इन तीनों कंपनी के बारे में कोई बड़ी चीज, बड़ी इंफॉर्मेशन है जो सुनने को आई हो? ये क्या हो जाएगा? ये आपका होमवर्क हो जाएगा आज के लिए, जिसका आंसर आप लोगों को डेफिनेटली करके देना है। और टोटल 24 में से कितने क्वेश्चन सही हुए वो भी सही सही जवाब देना है ऑफलाइन कमेंट करके। और जिसकी जो भी मतलब वो होती है ना, जैसे मैम आपने इसमें इसमें क्लास ले लीजिए या ये वाला टॉपिक कवर करवा लीजिए, अगर आप एप्लीकेशन के स्टूडेंट हो
तो क्योंकि एप्लीकेशन पे तो वहां पर नहीं है, हम सोच रहे हैं कुछ ना कुछ करते हैं उसके लिए भी। अगर आप एप्लीकेशन के स्टूडेंट हो तो नीचे कमेंट कर दिया करो कि मैम इस वाले कोर्स में जैसे ASI वाला कोर्स हो गया, कोई उड़ान बैच हो गया, कि ये वाला टॉपिक करवा देना, ठीक है। चलो बाकी जो भी स्टूडेंट है, कोई भी पूरे कंप्यूटर में कहीं से भी कोई कुछ क्वेश्चन अटकता हो तो आंसर कर देना, क्वेश्चन पूछ लेना ऑफलाइन कमेंट करके, मैं कोशिश करूंगी आपको उसी में आंसर बता दूं, अदरवाइज नेक्स्ट डे बता दिया करूंगी। शुरू करते हैं इसी को, चलो आज की क्लास को करते हैं हम लोग यहाँ पर एंड, मिलते हैं कल अपने टाइम पर। कल क्या है, तो कल मैं पोस्टर लगाना, वो वाला देखो कल क्या है, तो कल दो इवेंट आ रहे हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ तो करण अर्जुन वाला इवेंट आ रहा है, कल है 13 जून। कल क्या है, कल है 13 जून, 13th of June। कल 13 जून को सबसे पहले तो 11 बजे, सबसे पहले 11 बजे करण अर्जुन का इवेंट आएगा, जिसको अभिनंदन सर और पुलकित सर लेकर आ रहे हैं। और अगर मैं बात करती हूँ, और उसके बाद कल ही मतलब 13 जून को ही रात 8 बजे कौन बनेगा एग्जामपुर महारथी वाला इवेंट आने वाला है। गेस करना कि क्या हो सकता है, और जाहिर सी बात है बहुत ही अलग कॉन्सेप्ट है, ठीक है। चलो तो आज के सेशन को करते हैं यहां पर एंड, कल जरूर आना है आपको, सुबह 11 बजे भी और शाम को 8 बजे भी सेशन को करेंगे एंड। अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं कल। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिए। जय हिंद। देवी और सज्जनों, स्वागत है कौन बनेगा एग्जामपुर का महारथी में। क्या है ये एग्जामपुर महारथी, जानने के लिए जुड़ना ना भूले 13 जून रात 8 बजे एग्जामपुर के मेन यूट्यूब चैनल पर। नमस्कार देवी, तू ही बता अर्जुन क्या लेके जाए। एक काम करते हैं, 5000 बुकलेट फ्री गिव अवे, और वो वाला सरप्राइज, उस सरप्राइज के लिए मिलिए 13 जून सुबह 11 बजे एग्जामपुर यूट्यूब चैनल पर। मेरे करण अर्जुन आएंगे, और करण और अर्जुन जा तो रहे हैं पर लेकर क्या जाएं। तू ही बता अर्जुन क्या लेके जाए। एक काम करते हैं, 5000 बुकलेट फ्री गिव अवे, और वो वाला सरप्राइज, उस सरप्राइज के लिए मिलिए 13 जून सुबह 11 बजे एग्जामपुर यूट्यूब चैनल पर। मेरे करण अर्जुन आएंगे, और करण और अर्जुन जा तो रहे हैं पर लेकर क्या जाएं। तू ही बता अर्जुन क्या लेके जाए। एक काम करते हैं, 5000 बुकलेट फ्री गिव अवे, और वो वाला सरप्राइज, उस सरप्राइज के लिए मिलिए 13 जून सुबह 11 बजे एग्जामपुर यूट्यूब चैनल पर।